हाय गाइस, स्वागत है आप सभी के आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं को बताने वाला हूँ इलाहाबाद एम्पावर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, इसका अकाउंट बनाकर आप इंडिया के किसी बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज हुआ, डिश रिचार्ज हुआ, बिजली का बिल पे करना, अगर आपका ATM कहीं खो जाता है इसको लॉक करके अनलॉक भी कर सकते हैं। पूरी फैसिलिटी आपको ये एप्लीकेशन में देखने के लिए मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद हो लाइक कीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, घंटे प्रेस के लिए आपकी यूट्यूब से ऐसे रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहेगी। इसके लिए फ्रेंड आपको प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा। प्ले स्टोर पर लिखना है यहाँ पर इलाहाबाद बैंक एम्पावर। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ, इसे सर्च करना। सर्च किया, इस तरह का इंटरफेस खुल गया। अगर डाउनलोडिंग की बात करें, यहाँ 1 बिलियन डॉलर, यानी कि इसको इंडिया में 10 लाख आदमी इसको यूज कर रहे हैं। अब फ्रेंड, पहले से मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन जैसे ही करेंगे आपके पास इस तरह का पेज खुलकर फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पे आएगा। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा भी वेट कर लेता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे मैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ अलाउ करने का परमिशन मांगता है, परमिशन अलाउ करना है, फिर से अलाउ करना। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा सिलेक्ट योर लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज आप यहाँ चलाना चाहते हैं एप्लीकेशन को, हिंदी या इंग्लिश, जो लैंग्वेज चलना वो लैंग्वेज को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट पर जैसे क्लिक, यहाँ दो ऑप्शन दे रहा है आपको लॉगिन करने का, इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड। अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यूजर या पासवर्ड डालकर लॉगिन हो सकते हैं यहाँ पे। अगर आपके पास डेबिट कार्ड क्लिक करेंगे, यहाँ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड का लास्ट 6 अंक नंबर डालना है, इस पर मंथ डालना है, इस पर ईयर डालना है, या डम्स को एक्सेप्ट करना, सबमिट करना। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे पूरी डिटेल्स मैं डाल लेता हूँ डेबिट कार्ड का, मेरे पास डेबिट कार्ड है। अब फ्रेंड्स, इस बॉक्स में आपको अकाउंट नंबर डालना है बैंक का, चलिए डाल देता हूँ यहाँ पे। अब फ्रेंड, यहाँ पे डेबिट कार्ड का लास्ट 6 नंबर डालना है, यहाँ पे मंथ एक्सपायर डालना है, यहाँ पे एक्सपायर ईयर डालना है, यहाँ पे डम्स के एक्सेप्ट करना है, सबमिट करना है। सबमिट पे जैसे कि लिंक, अब यहाँ पे सिम सेलेक्ट करना है, कौन सा बैंक में आपका सिम सेलेक्ट है, 1 नंबर या 2 नंबर। जो सिम सेलेक्ट मेरा दो नंबर पे मैंने क्लिक करा, 2 नंबर जैसे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे आपको दूसरा बैंक से आपके OTP यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिटेक्ट कर लेगा। फिर अब यहाँ पे कन्फर्म OTP पे क्लिक करना। कन्फर्म OTP जैसे कि यहाँ पे आपको MPIN सेट करने का रहा है, जब भी एप्लीकेशन को आप लॉग इन करेंगे तो वही MPIN यहाँ पे से मांगा जाएगा। MPIN को यहाँ पे याद करके आपको रखना है, 4 अंक का MPIN है यहाँ पे, 1, 2, 4 कोई भी डाल सकते हैं यहाँ पे। चलिए फ्रेंड, यहाँ मैं डाल देता हूँ, यहाँ से जो ऊपर डाला वही नीचे में कन्फर्म करना है। चलिए मैं डाल देता हूँ यहाँ से। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे डाल कर सबमिट पे क्लिक करना। सबमिट पे जैसे क्लिक करें फ्रेंड्स यहाँ पे, फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया मेरा। अब फ्रेंड्स, आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं करना चाहते नो पे करेंगे। मैं इंटरनेट बैंकिंग यहाँ यूज़ कर नहीं करूँगा, मैं यहाँ नो पे क्लिक करूँगा। नो पे जैसे क्लिक करेंगे, जो आपने MPIN यहाँ पे सेट करा हुआ MPIN को यहाँ पे डालेंगे। चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फ्रेंड्स, जो मैंने यहाँ पे टाइप करा। अब लॉगिन पे करेंगे। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपको थोड़ा वेट करना, आपकी पूरी यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी, आपका कितना अकाउंट में बैलेंस है, पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे खुल कर आ जाएगी फ्रेंड्स यहाँ पे। अब फ्रेंड्स, मैंने देखा इसी तरह से आप भी अपना इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इसी तरह आप अकाउंट बना सकते हैं। मैंने किस तरह से अकाउंट बनाया आप फ्रेंड देख सकते हैं फ्रेंड्स में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन है कॉमेंट करके आप पूछ सकते हैं।